आप सब लोगों ने लाजमी से दुआ करनी है मेरी चमेली के लिए ताकि बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर को दिखाया है, इसको जो है हमने इंजेक्शन वगैरह लगवाई है, लेकिन इसके साथ सीन बड़ा गंदा हो चुका है। देखो कितनी प्यारी हमारी बकरी, और इसके साथ ये देखो इतना मुंह इसका सुजा हुआ है। आई नो अस्सलाम वालेकुम, वी आर बैक इन अदर ब्लॉग। तो गाइस आज बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि हमारी चमेली के साथ सीन हो गया है। उससे कोई चीज गर्दन में इस जगह पे कोई चीज खा के गई है और उसकी गर्दन जो है सूज चुकी है। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। बाकी कह रहे वेलकम बैक हो गया तुम सबका अनदर व्लॉग में। अगर अब तक तुम लोगों ने शेरी व्लॉग ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो जल्दी से चलते हैं सीधा जू की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी चीज़ उनको खा गई है, इस वजह से उनकी गर्दन सूज चुकी है। तो आप सब लोगों ने लाजमी से दुआ करनी है मेरी चमेली के लिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलता हूँ सीधा जू की तरफ। गाइस तो मैं जू की तरफ आ चुका हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ जो है चमेली और जो है हमारा धमाका साथ में। अभी भी हमने वो गेस्ट रखे हुए हैं, उनको हमने कहीं भी नहीं छोड़ा है, अभी भी बैठे हुए हैं साथ में। रानी और जो है चमेली के साथ सीन हो चुका है। ये रही चमेली, आप देख सकते हो चमेली। अभी चमेली की तबीयत भी डाउन है, इसी वजह से जो है वो देखो उठने में भी इसको कितनी तकलीफ हो रही है। इसके साथ बड़ा गंदा सीन हुआ है। बाकी रानी हमारी तैयार है, वो फुल फिट फाट है, धमाका भी तैयार है, साथ में हमारे गेस्ट भी तैयार है। गाइस तो अभी जो है मैं आपको दिखाता हूँ गर्दन में जो है चमेली के साथ सीन हुआ है, बड़ा गंदा सीन हुआ है। ये आप देख सकते हो इसकी गर्दन बहुत नीचे से सूज चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने लाजमी से दुआ करनी है मेरी चमेली के लिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो देखो पहले इसका कितना पैड भरा होता था, अभी ये खा भी बहुत कम रही है। वो आपके सामने वो देखो घास भी पड़ा है, वो भी बहुत कम खा रही है, क्योंकि इसके साथ पता नहीं यार क्या हुआ है। अचानक कल के दिन जो है इसका अचानक यहाँ से गर्दन सूज चुकी है, कौन सी चीज़ खा के गई है कुछ आइडिया नहीं है। डॉक्टर को दिखाया है, इसको जो है हमने इंजेक्शन वगैरह लगवाई है, लेकिन इसके साथ सीन बड़ा गंदा हो चुका है। देखो कितनी प्यारी हमारी बकरी, और इसके साथ ये देखो इतना मुंह इसका सुजा हुआ है। आई नो पता नहीं क्या हुआ है, किस वजह से। यार धमाका तू सुधर जा भाई, क्या हो गया तुझे। एक तो कंडीशन ऐसी है, ऊपर से तू भाई लड़ता रहता है। ये देखो हमारा धमाका तो फुल टाइट है भाई, इसको तो फुल ओके। बाकी ये भी सारी जो है फुल फैट टाइट है, ये भी अभी माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सही हो रही है। पहले तो बहुत ही इसके हड्डे जाहिर हो रहे चल झूठ थे, अभी कुछ इसके हड्डे छुपने लग गए हैं। बाकी ये हो गई हमारी जो है छोटी सी इस जो है हमारी गैस की बच्ची। बाकी आप लोगों ने लाजमी से यार हमारी चमेली के लिए दुआ करनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसकी जो हालत है ना वो आप देख सकते हो। ये देखो उसकी हालत, किस तरह हमारी चमेली थी और किस तरह हमारी चमेली। भाई तू सुधर जा यार, सुधर जा, तुझे क्या हो गया। देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी थी, नज़र लग गई है, पता नहीं मेरी नज़र लग गई है या किसी की नज़र लग गई है। तो चमेली के लिए लाजमी से आप लोगों ने दुआ लाजमी से करनी है। रानी हो गई, ये रानी तो फुल रानी, कैसी हो ये, ठीक है, इसको परवाह नहीं है। चमेली के लिए आप लोगों ने लाजमी से दुआ करनी है, लाजमी से, क्योंकि मेरी चमेली का जो है ना मुंह सूज चुका है। इसका पेट माशाल्लाह बहुत भरा हुआ था, अभी देखो इसका जो है पेट भी हल्का हो चुका है इसी वजह से। तो इसके लिए आपने लाजमी से दुआ करनी है। यार ये सारे मुझसे लड़ रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हो गया है जो मुझसे लड़ रही हैं। तो अभी ये दूध पी रही थी, मैंने ये सीन रिकॉर्ड करना था लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आप लोगों ने गाइस लाजमी से चमेली के लिए दुआ करनी है। बाकी मैं चलता हूँ जो है आपको पिजिन्स अपने दिखाता हूँ, उनके भी हमने नाम रखने हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा सब्र करो आहिस्ता आहिस्ता, जब तक वो भी सेट हो जाए घर कर लें तो फिर जो है उनके भी हमने नाम रखने हैं। चमेली के लिए आप लोगों ने लाजमी से दुआ करनी है। तो चलता हूँ सीधा पिजिन्स की तरफ। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, हालत ख़राब होगी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। प्लस में धूप, कल तो मौसम बहुत प्यारा था लेकिन आज मौसम बहुत ही गंदा मौसम है। और इनको मैंने जो है खाना दे दिया है, ठीक है, इन लोगों ने कुछ खा लिया है, कुछ ने अभी खाना है, इनको मैंने फुल जो है अंदर ही दे दिया था। लेकिन यह है कि अंदर में देता हूँ तो चींटियाँ हो जाती है। ये देखो अभी इतना मैंने इनको दिया हुआ है लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा नहीं खा रहा है। इनको अभी मैं पानी भी दे के जो है मैंने छोड़ देना है, बस फिर इन्होंने खुद ही खाते रहना है। फिर मैंने आकर सिर्फ इनको रात को जो है बंद करना है, बस बाकी जो सारी चीज़ें होती है ना वो मैंने आकर सिर्फ रात को करनी है। इनको इतना खाना दिया हुआ है, अभी इनको मैं पानी भी दे दूंगा। बाकी यहाँ पे मैं वीडियो करने लगा एंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने लाजमी से दबा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।